इससे पहले कि आप इस वीडियो को स्किप करें, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बीच में मैंने एक कोड छुपाया हुआ है। अगर आपको लाइव सेशंस में आना है, लाइव सेशंस में वो क्वेश्चन पूछने हैं, आपको वीडियोस को देखना होगा, बीच में कोई कोड है, उस कोड को मुझे बताना होगा, तभी मैं आपके लाइव सेशंस में क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप सबने सब्सक्राइब कर रखा है, आपके पास लाइव सेशन के नोटिफिकेशन जाते हैं, उसमें तो मतलब हर कोई आ जाता है, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है इन वीडियोस को देखने में, हो सकता है आप में से बहुत लोग ना इंटरेस्टेड हो, तो क्या है आप देखते हैं और बंद कर देते, देखते हैं और बंद करते, जिसकी वजह से चैनल का वॉच टाइम बहुत खराब होता जा रहा है। तो मुझे ये इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है, और वॉच टाइम खराब होने से की वजह से चैनल रैंक नहीं हो रहा है कहीं पे भी, और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से ये बता दूं कि विदाउट कोड में लाइव सेशंस में कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर नहीं करूंगा। आपको ये नए सिरे से मैं इस वीडियो के बाद आपको कोड एंटर करना होगा, जो कि मैं बीच में कहीं पे भी बता सकता हूँ, चाहे वो स्टार्टिंग में ही हो या लास्ट में हो या मिड में हो। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है अगर आप लाइव सेशंस में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोज़ बनाने का, लाइव सेशंस में आने का। अदरवाइज ऐसा लगता है कि मतलब ये सब खाली हो रहा है। एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बात बताऊँ तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे मंगल देवता की 12th हाउस में, मार्स इन 12th हाउस डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे 12th हाउस क्या है, उसके बाद हम जानेंगे मंगल क्या है, और फिर हम उनकी पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। 12th हाउस हमारे हाउस होता है हमारे लॉसेस का, हमारे लॉसेस जो भी होते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर का, हमारे खर्चों का घर भी यही होता है, हमारे मोक्ष मोक्ष का घर भी यही होता है। 12th हाउस से मोक्ष को देखते हैं। फॉरेन ट्रेवल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है फॉरेन सेटलमेंट। सेम फॉरेन सेटलमेंट भी हम इससे देखते हैं, 12th हाउस से ही देखेंगे। 12th हाउस हमारे बेड प्लेजर्स का भी हाउस बेड प्लेजर्स का भी हाउस होता है, जो हम आप कह सकते हैं सैया सुख होता है, उसका भी हाउस होता है। उसके बाद ये हमारे हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल में बिल्स होते हैं उसका भी हाउस होता है, हॉस्पिटल के खर्चे जो होते हैं उनका भी यही हाउस 12th हाउस होता है। उसके बाद 12th हाउस और चीज जो चीज़ें दिखाता है वो दिखाता है डिस्टेंस प्लेसेस। डिस्टेंट प्लेसेस ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, मतलब ऐसे आप देख सकते हैं बहुत अनकॉमन जगह, जैसे कोई दूर दराज की जेल है, कोई आप मान सकते हैं मेंटल असाइलम है, ये चीजें भी 12th हाउस दिखाता है। उसके बाद 12th हाउस हमारी डेथ का हाउस भी है, लॉसेस भी दिखाता है, बहुत सारी चीजें 12th हाउस में ये सब चीजें दिखाता है। अब जब मार्स 12th हाउस में होगा तो क्या होगा, ये हम जानेंगे कि मार्स जब 12th हाउस में होता है तो क्या होता है। अब मार्स आपको पता है, मार्स एक एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, मार्स में करेज है, COU, अरे जी, मार्स में करेज है। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो कि हमारी मतलब ग्रहों में ग्रहों का सेनापति माना गया है, एक वॉरियर माना गया है। तो आप सोचिए इसमें कितनी एनर्जी होगी। मार्स हमारी विल पावर को दिखाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। मार्स हमारी बॉयज में मार्स सेक्सुअल एनर्जी को दिखाता है, सेक्सुअल एनर्जी को भी यही दिखाता है मार्स। मार्स एक्सीडेंट्स का भी कारक होता है, मार्स जो आपको चोट लगती है छोटी मोटी, इन सब का भी मार्स कारक होता है। उसके बाद अगर हम बॉडी पार्ट में बात करें, सॉरी ये बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो मार्स मैंने जैसे आपको बताया हमारी सेक्सुअल एनर्जी को गाइड करता है, हमारी करेज, हमारी विल पावर को गाइड करता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो अगर हम कहें कि मार्स के कारकत्व के अंदर आती हैं जो चीज़ें, वो है आप कह सकते हैं सोल्जर्स, जैसे आर्मी, ये भी मार्स के कारकत्व के अंदर आती हैं। तो ये सब चीज़ें मार्स देता है। तो अब जब ये मंगल देवता इस कुंडली में, किसी भी कुंडली में 12वें घर में बैठे हैं, तो कुछ चीज़ें तो ये गारंटी देते ही देते हैं, और बाकी क्या देंगे, क्या किस घर के साथ रिलेशन बनता है ये डिपेंड करेगा, वो हम आगे बात करेंगे। तो जब ये मार्स 12th हाउस में है तो होगा क्या,
तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इसका कोड बता देता हूँ। कोड है 1124। इस कोड को आपको इंसर्ट करना होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये कोड आपको बीच में मिल चुका है। अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछें मुझसे लाइव शो में, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। और अब हम बात करेंगे जब मार्स देवता 12th हाउस में होते हैं, मंगल की पोजिशन 12th हाउस में, क्योंकि मंगल एनर्जी है। अब हम कोरिलेट करेंगे, मार्स हमारी एनर्जी है, 12th हाउस बेड प्लेजर्स हैं, तो इनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये बेड पे वाइल्ड होते हैं। अगर आप अगर किसी के साथ आपका एनकाउंटर हुआ हो, किसी के हस्बैंड किसी के वाइफ का मार्स अगर रहता हो, तो ये बहुत एनर्जेटिकली इंडल्ज होते हैं सेक्सुअल प्लेजर्स में। मार्स 12th हाउस में होता है, अगर मंगल 12th हाउस में है, रिलेशन बनता है 10th हाउस के साथ, तो मार्स आपको बिजनेस, सपोज इसके साथ 11th हाउस भी जुड़ गया, तो बिजनेस में अल्टीमेट गेन्स देगा। आपको टेंशन ही नहीं है किसी चीज की, पैसा आपके पास आता रहेगा। उसके बाद अगर मार्स इन 12th हाउस, इसका रिलेशन बना 5th हाउस एंड 8th हाउस के साथ, तो ये आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज करा देगा, मल्टीपल अफेयर दे देगा आपको। इतने अफेयर होंगे कि एक छूटेगा एक के बाद एक। अगर इसके साथ 6 भी आ गया कहीं पे, तो बदनामी होने के भी चांसेस रहते हैं, ब्रेक ऑफ लव, क्योंकि 6th हाउस जनरली ब्रेक दिखाता है लव का, तो ये सब चीजें मंगल देवता इस कुंडली में दे सकते हैं। उसके बाद जब अगर मार्स 7th+12th+8th के साथ अगर अटैच हो गया, तो ये आपके अंदर एग्रेशन दे देगा, इतना कि आप इस एग्रेशन की वजह से, आपको सोशल तो एग्रेशन होगा, मेंटल टेंशन, ये सब आप मेंटल टेंशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर मंगल इन 12th हाउस 7th+12th 11th+2nd, अगर ये संबंध बना लेता है, कोई भी नेगेटिव हाउस नहीं होना चाहिए इसमें, 6 और 8 के, 6 8, और ना ही इसके साथ 1 और 6, 1 और 10 होना चाहिए, तो ये आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ दे देगा, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ देगा अगर इसका रिलेशन ऐसे बन रहा है तो। अब अगर मंगल देवता रिलेशन बना लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको मैरिज के बारे में बताया, ये यहाँ से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, ये इंसान को बहुत ज्यादा करेजियस बना देते हैं। इस पोजीशन से हम लोग राइटर्स भी देखते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, मतलब इनकी ग्रेट इमेजिनेशन पावर, इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन बहुत बढ़िया होती है। तो इस पोजीशन से हम राइटर्स को भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मार्स वॉरियर होता है, और 12th हाउस अगर हम देखें तो ये काल पुरुष की कुंडली में पाइसेस होता है। अब पाइसेस होता है जुपिटर, जुपिटर एंड मार्स फ्रेंड्स, तो ये ऑल्दो इस कुंडली अच्छी पोजीशन है, बट अगर इसने यहाँ मार्स ने रिलेशन बना लिया 5th सॉरी मार्स ने अगर रिलेशन बना लिया इसी इस जगह पे बैठे हुए मंगल ने, मार्स इन 12th हाउस रिलेशन बनाता है 8th के साथ, तो ये आपको दे सकता है एक्सीडेंट्स, चोट जो लग सकती है उसके कारण आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, इसके कारण आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, और ये बहुत ही क्रूशियल पोजीशन है। अगर 8 और 12 के साथ रिलेशन बना दिया तो फिर ये प्रॉब्लम दे देगा। दूसरी चीज है, ये लोग बहुत खर्चीले होते हैं, स्पेंड थेफ्ट होते हैं, तो इनको अपने खर्चों में कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। ये किसी एक चीज पे टिकते नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे 12th हाउस हमारे फॉरेन लैंड्स का हाउस होता है, और सॉरी मैं ये बताना भूल गया, अगर मार्स 12th हाउस में है, 12th हाउस में मार्स है, उसके बाद ये आपका रिलेशन बना रहा है 3rd हाउस+9th हाउस के साथ, तो ये आपको फॉरेन ट्रेवल्स दे देगा, ये आपको फॉरेन ट्रेवल्स दे देगा, इवन वीजा भी क्लियर करवा देगा आपका। अगर 11th हाउस आ रहा है तो
पीआर भी मिलने के चांसेस है। फोर्थ हाउस आ रहा है तो आप फॉरेन में अपना घर भी बना लेंगे। 4, 3, 9, 10, 12 ये हाउस आ रहे हैं तो आप फॉरेन में अपना घर भी बना लेंगे। यहाँ तक की कैपेबिलिटी है मंगल देवता इस पोजिशन पे रहने के देते हैं। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव मैंने आपको बता दिया कि कैसे जज करेंगे। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कोड को इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर जैसे आप कोड इंसर्ट करेंगे उसके बाद मैं आपको आपका आंसर दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।